बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत की है और ऐसे में आज एक बार फिर से जनता दरबार लगाया गया है और नीतीश कुमार तमाम फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। इस क्रम में तमाम लोग पहुंच रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से लोग अपनी शिकायत अपनी फरियाद लेकर नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं। इसी बीच वहां की एक अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आई है। नीतीश कुमार के सामने एक शिक्षक पहुंचे जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा था, काफी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, ना तो उन्हें पदोन्नति मिली और ना ही किसी तरह का वेतनमान का लाभ मिल रहा है। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत पुराना प्रमोशन का मामला है, प्रमोशन का मामला है, टीचर है, प्रमोशन का मामला है, हाईकोर्ट ने कहा किया जाए, लेकिन अब तो नियम कहा टीचर है पहले वाले सेवा 26 वर्ष हो गई, अभी तक किसी प्रकार का पदोन्नति या बढ़िया वेतनमान नहीं दिया गया। स्कूल में है सर, बेगूसराय मध्य विद्यालय बाघरा में, मध्य विद्यालय में आपका पहले से हुआ है तो प्रमोशन नहीं मिला है? नहीं सर, ना किसी प्रकार का, 36 साल नौकरी का ये मत, ये मत सर, प्रमोशन नहीं मिला, नहीं मिला है तो देखने का किस नहीं मिला है सर, दिया भी गया पर यह वेतनमान तो सर रद्द कर दिया गया बिना कारण बिना। तो आपने सुना नीतीश कुमार ने सांत्वना दी है, कहा है कि आपकी फरियाद सुनी जाएगी और आगे इस पर अमल भी किया जाएगा। नीतीश कुमार ने उनकी फरियाद सुनी है और तमाम अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि इनकी जो कुछ भी समस्या है उन पर विचार किया जाए। हालांकि शिक्षक अपनी बात कहते कहते रो पड़े थे तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि आप रोइए मत, आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार बीते कई सप्ताह से जनता दरबार लगा रहे हैं। काफी वर्षों के बाद एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत की गई है और ऐसे में तमाम लोगों से फरियाद सुनी जाती है। नीतीश कुमार खुद तमाम लोगों की फरियाद सुनते हैं, तमाम लोगों का चयन किया जाता है कि आज कौन कौन शामिल होगा, कितने लोग शामिल होंगे और वो सब अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। तो बीते कई सप्ताह से यह क्रम जो है वह लगातार जारी है और आज एक बार फिर से नीतीश कुमार लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। जनता दरबार में काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, अपनी अपनी परेशानी लेकर पहुंचे हैं और नीतीश कुमार ऑन द स्पॉट उन तमाम समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं। तो शिक्षक को लेकर जो तस्वीर आई है, शिक्षक रो पड़ा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें सीधे तौर पे कहा कि आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। अब बढ़ रहे हैं NBC 24 के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।